नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भाजपा की सरकार आने के बाद से बालोद जिले में रेत माफियाओं में प्रतिस्पर्धा हो रही है कि खदान से रेत पहले कौन निकालेगा। बालोद जिले में शासन प्रशासन की शह पर खनिज माफिया व चर्चा भी है कि भाजपा के नेता द्वारा डोडी ब्लॉक के बेलोदा के रेत खदान में रात के अंधेरे में दो चेन माउंटेन से खुदाई कर सैकड़ों हाइवा रेत निकालकर लाखों रुपये का व्यारा न्यारा खुदा की अंधाधुन खुदाई कर मोटी रकम कमा रहे हैं। रेत माफिया खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त मौन सहमति बनी हुई है। जिले में अवैध रूप से खदान चलने वाले बंदूक के नोक पर रेत बेच चुके हैं, पर विभाग नतमस्तक होने का वजह सिर्फ भारतीय मुद्रा का चलन बढ़ गई है। वहीं जिला प्रशासन की सहमति से खनिज विभाग द्वारा खानापूर्ति के लिए बीच बीच में जाकर रेत खदान में चल रही गाड़ियों पर कार्रवाई करने का दिखावा कर अपने आप को ईमानदार बताने में लगी है। खनिज विभाग द्वारा विगत दिनों बेलोदा में चल रहे रेत खदान में चल रहे चेन माउंटेन व हाइवा पर कार्रवाई की गई थी। आखिर बेलोदा रेत खदान में कार्रवाई के बाद फिर से रेत का अवैध उत्खनन माफिया द्वारा क्यों किया जाता, जिसके कारण खनिज माफिया पूरी तरह से सक्रिय होकर बेखौफ होकर जिले के खनिज संपदा की अंधाधुंध खुदाई कर मोटी रकम कमा रहे हैं। वहीं रात के अंधेरे में खनिज माफिया और भाजपा के नेता द्वारा डोडी ब्लॉक के बेलोदा रेत खदान में दबंगाई पूर्वक दो दो चेन माउंटेन उतारकर सैकड़ों ट्रिप हाइवा रेत पार कर दी है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक खनिज माफियाओं ने इस खदान से लाखों रुपए की रेत एक ही रात में पार कर देते हैं। इसके बावजूद उसके जिम्मेदार विभाग के अफसर कार्रवाई करने की बजाय चुप्पी साधे बैठे हैं, जिससे शासन प्रशासन की जमकर किरकिरी हो ही रही है। तो वहीं सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने वाले जिम्मेदार अफसरों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। भाजपा की सरकार आने के बाद से जिले में रेत माफियाओं में प्रतिस्पर्धा हो रही है कि खदान से रेत पहले कौन निकालेगा। जिला प्रशासन और जिला खनिज विभाग की नाक के नीचे ग्राम बेलोदा में बेधड़क दिन रात बहुमूल्य रेत संपदा का खनन हो रहा है। अवैध कार्यों को अंजाम देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने का दम भरने वाली भाजपा सरकार के प्रदेश में सत्तासीन होने से आम जनता को उम्मीद थी कि अब अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के हौसले पस्त होंगे, लेकिन उसके विपरीत जिले में जिला प्रशासन और जिला खनिज विभाग की नाक के नीचे ग्राम बेलोदा में बेधड़क दिन रात बहुमूल्य रेत संपदा का खनन और खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे परिवहन हो रहा है। अवैध रेत माफियाओं के हौसले का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नदी में एक नहीं दो दो चेन माउंटेन जैसी भारी भरकम मशीन की सहायता से नदी का सीना चीरकर बेतरतीब ढंग से रेत का खनन किया जा रहा है। राजनीतिक हस्तियों के दबाव के चलते बेबस हो चुका है खनिज विभाग। अवैध रेत माफिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन का मजाक उड़ाते हुए खुलेआम अवैध खनन और परिवहन कर रहे हैं और जिला खनिज विभाग आके बंद कर बैठी हुई है, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में विभाग की संलिप्तता है और राजनीतिक हस्तियों के दबाव के चलते बेबस हो चुका है, जिसके चलते डबल इंजन वाली सरकार के संरक्षण में डबल इंजन के साथ शाम रेत का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ग्राम बेलोदा रेत खदान में रेत माफियाओं द्वारा देर रात्रि रेत खनन का कार्य प्रारंभ किया जाता है, जो सुबह तक निरंतर जारी रहता है। अधिक से अधिक रेत खनन और परिवहन करने के लिए नदी में एक साथ दो दो चेन माउंटेन मशीन तैनात की गई है।